नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में FIR कैसे करें, लॉस्ट रिपोर्ट। अगर आपका कोई भी सामान खो जाता है, आपका फ़ोन खो जाता है, आपका पर्स खो जाता है, फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, तो उस चीज़ की FIR आप ऑनलाइन कैसे करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। FIR कई तरीके की होती हैं, इसमें बाइक चोरी, कार चोरी या फिर मोबाइल चोरी, कई तरह की FIR होती है, बट आज हम बात करेंगे सिर्फ लॉस्ट रिपोर्ट की। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस की मेन वेबसाइट पर आ जाना है, गूगल पर सर्च करेंगे दिल्ली पुलिस, उसके बाद होम वेबसाइट को खोल लेंगे। वेबसाइट खोलने के बाद उसके बाद लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। सबसे पहले कंप्लेन दर्ज करने वाले का नाम, जो भी एप्लीकेंट कंप्लेन दर्ज कर रहा है उसका नाम आएगा, उसके बाद उसके पिताजी का नाम आएगा, उसके बाद कंप्लेन दर्ज करने वाले का पूरा एड्रेस, उसके बाद कंप्लेन दर्ज करने वाले का फ़ोन नंबर डलेगा, फ़ोन नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डालने के बाद प्लेस ऑफ लॉस इन दिल्ली, आपका डॉक्यूमेंट या फिर आपका पास जिस भी चीज़ की आप FIR करना चाह रहे हैं वो है चीज़ आपकी कहाँ खोई है, उस जगह का यहाँ पर नाम डालेंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो FIR है ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए है, दिल्ली में अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट खोया है तभी आप इस FIR को कर सकते हैं। लॉस्ट प्लेस ऑफ लॉस इन दिल्ली डालने के बाद डेट ऑफ लॉस डालेंगे, कितने तारीख को आपका वह डॉक्यूमेंट या पर्स जिस चीज़ की FIR कर रहे हैं वो कब खोया था वो डेट डालेंगे, अगर आपको टाइम याद है तो टाइम भी डाल सकते हैं। उसके बाद लॉस्ट आर्टिकल पर क्लिक करेंगे और जो भी चीज़ आपकी खोई है उस चीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर लिस्ट में अगर वो नाम नहीं है तो आप अदर पर क्लिक करेंगे, अदर पर क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ आपकी खोई है उसका यहाँ पर नाम डालेंगे और डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ को डिस्क्राइब कर देंगे। मान लीजिए आपका आधार कार्ड खोया है तो आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड नंबर डालेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। जो भी चीज़ें आपकी खोई है उन सबको ऐड पर क्लिक करने के बाद एक एक करके सब ऐड कर लेंगे। एनी अदर डिटेल पर आप कोई डिटेल डिस्क्राइब करना चाहते हो डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हो डॉट पर क्लिक करके कैप्चर कोड डाल करके सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और एक PDF आपके मेल पर भेज दिया जाएगा, जो कि इस तरह से होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास कॉपी रख सकते हैं। धन्यवाद।